लेकिन ये पाप है। ये सब क्या हो रहा है मासी? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल nbollymedia में, जहां आपको मिलती है अपकमिंग मूवी, सॉन्ग, टीवी सीरियल एंड वेब सीरीज से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले। दोस्तों, नेटफ्लिक्स ने हाल ही में 17 ओरिजिनल की घोषणा की थी, जिसमें अलग अलग जॉनर का कंटेंट है, जैसे कि ड्रामा, थ्रिलर, हॉरर, कॉमेडी और रोमांस। इन सब में से एक फिल्म ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, वो फिल्म है काली खुई। फिल्म में सबाना आजमी, विवा अरोड़ा और सत्यदीप मिश्रा नजर आने वाले हैं। बता दें कि साल 2019 में फिल्म के डायरेक्टर ट्रेली समुद्रा ने अनाउंस किया था कि उनकी फिल्म काली खुई नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर करेगी, लेकिन उसके बाद से फिल्म को लेकर कोई खबर नहीं आई। अब कुछ समय पहले ही जब नेटफ्लिक्स ने एक लंबी लिस्ट अपने फैंस के साथ शेयर की, उसमें इस फिल्म का नाम भी शामिल था। आपको बता दें कि इसका टीजर आज रिलीज कर दिया गया है। फिल्म की बात करें तो काली खुही की कहानी पंजाब में चलते आ रहे कन्या भ्रूण हत्या की समस्या को लोगों तक पहुंचाएगी। ये कहानी एक 10 साल की लड़की की है, जो पंजाब के एक गांव में इस समस्या को हमेशा के लिए हटाना चाहती है। पंजाब में सामाजिक मुद्दे जैसे कि ड्रग्स, एडिक्शन, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या अभी भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि फिल्म में शबाना आजमी काफी इंटेंस रोल में नजर आने वाली है। शबाना आजमी और सत्यदीप मिश्रा जैसे उमदा कलाकारों के साथ अपनी पहली फिल्म बनाकर लगता है कि टेली समुद्रा लोगों को एक अच्छी कहानी के साथ सामाजिक मुद्दे के खिलाफ आवाज उठाने वाली है। फिल्म को मनोमय मोशन पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का ट्रेलर और रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस भी कर दी जाएगी। वेल दोस्तों, कि आपने इसका टीजर देखा और आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें, और ऐसी ही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।